देवियों सज्जनों और आप सभी सहयोगों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। मणिपुर में हो रही जातीय हिंसा को लेकर विपक्ष इंडिया की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर दूसरे दिन चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जवाब दिया। इस दौरान शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। अपने भाषण के दौरान अमित शाह ने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी एक बार गरीब महिला कलावती के घर भोजन करने गए। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में जिस कलावती का जिक्र किया, आज उसके बारे में सभी जानना चाहते हैं। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, राहुल गांधी कलावती के घर भोजन करने गए। इसके बाद उन्होंने सदन में गरीबी का दारुण वर्णन किया। इसके बाद उनकी सरकार 6 साल चली, लेकिन मैं पूछता हूँ कि उनकी सरकार ने इस गरीब महिला कलावती के लिए क्या किया? उस कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य, ये सब देने का काम पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। जबकि हकीकत ये थी कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कलावती को कोई मदद नहीं की। अमित शाह के इस बयान के बाद मोदी द्वारा आर्थिक मदद मिलने के दावे को कलावती ने सिरे से खारिज कर दिया। आपको अब ये जानना जरूरी है कि कौन है कलावती। जिस कलावती का जिक्र गृह मंत्री ने किया, वह महाराष्ट्र के यवतमाल के जालका गांव की रहने वाली है। यह पूरा इलाका किसानों की आत्महत्या के चलते खबरों में रहा है। कर्ज न चुका पाने के चलते कलावती के पति ने आत्महत्या कर ली थी। गरीबी से तंग आकर कलावती बंदुरकर की बेटी पपीता रामटेके ने कुएं में कूदकर आत्महत्या का प्रयास की, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह उन्हें बचा लिया। तत्कालीन सांसद राहुल गांधी ने साल 2008 में कलावती घर जाकर उनसे मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद कलावती कर्ज में डूबे किसानों का चेहरा बन गई और वह चर्चा में आ गई थी। उनकी खबर राष्ट्रीय मीडिया में आने के बाद उन्हें देश भर से मदद मिलनी शुरू हो गई थी। 30 लाख की मिली थी मदद, 30 लाख की मिली थी आर्थिक मदद। राहुल गांधी की कलावती घर पहुंचने के बाद कलावती को सुलभ इंटरनेशनल से 30 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिली थी। यह पैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में उनके नाम पर फिक्स डिपोजिट करवाई गई थी। इससे कलावती को अपने बच्चों की पढ़ाई पूरा करने और उन्हें आरामदायक जीवन जीने में मदद के लिए 25,000 रुपए का मासिक ब्याज मिलना शुरू हो गया था। वहीं बाद में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने भी कलावती की 1 लाख रुपए की मदद की पेशकश की थी। भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान राहुल कलावती से मिले थे। हालांकि कलावती ने इंटरव्यू में बताया था कि राहुल गांधी मुझसे मिले थे और उन्होंने मेरी गरीबी दूर कर दी। पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कलावती से मुलाकात भी की थी। संसद बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावती के घर पर भोजन कर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहाँ वाचा दे दी, मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूँ, वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य, ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी। भोजन पर गए हो, इसी को भी मोदी जी पर अविश्वास नहीं है, वो आज मोदी जी के साथ है। राहुल गांधी आला तवास आर्थिक मदद त्याईन दिली। कंटोर मले भेटत नव्हता तर राहुल गांधी आले तवास मले कंटोर ही भेटायला लागला। न काही न काही बिजली मिजली राहुल गांधी आल्यावरच त्याईनच लाईन आणून दिली। घर आलं तर घरही मले अगोदरच त्याईनं मंजूर केलं होतं घरकुल, पण तेव्हा झालं नाही। मग 13 मंदी 14 मंदी घरकुल झालं आलं। याच्यावर तर मला दुसरं काही मदत केली तर राहुल गांधी आला त्याच्याच याच्यामध्ये मदत झाली। आणि मोदी साहेब निवडून आले तरीपासून मला आर्थिक मदत म्हणून आणि माझ्यासाठीच म्हणून कोणतीच नाही, म्हणजे सर्व जगाला पाठवत आहे 2-2 हजार रुपये, याच्यामध्ये 2-3 वेळा झालं ते आले। दुसरं आता काही करत असेल तर गॅस आला तर मी इकतच घेतला, गॅस मंदीमध्ये जर काही नाव आलं नाही, गॅसही मला काही भेटला नाही। में दिए गए अपने भाषण में जो अमित शाह ने दावा किया था कि पोल इस तरह से खुल गया थी, संसद में अपने भाषण के दरमियान जो अमित शाह ने दावा किया था कि उन्होंने कलावती की मदद उनकी सरकार मुकाबले की थी, ये कलावती के बयान आने के बाद मीडिया में उनकी पोल खुल गया थी और सच और झूठ का आने का साफ किया। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद। हमारे चैनल से जुड़े रहने और वीडियो देखने के लिए देवी सज्जनों और आप सभी सहयोगों का दिल से धन्यवाद।